मेरे साथ जज साहब हैं, मेरे डिस्ट्रिक्ट के जज साहब आए हुए हैं, बड़े साधारण व्यक्ति हैं, ये भी यीशु जी के भक्त हैं, इनके लिए ताली बजा दीजिए। एक दिन इनको होश आया कि मैं तो ये दुनिया का न्यायाधीश हूं, मेरे से भी बड़ा एक न्यायाधीश बैठा हुआ है। Amen. किसी को कुछ नहीं दिख रहा है, दुनिया भर के आस्त्री शास्त्री, ये बाबा वो पर्ची, खूब चल रही ड्रामेबाजी, किसी को कुछ नहीं आता है, हमें पता है। बताओ यार, तुम्हें इतना ही ज्ञान है, बताओ धरती में कहां क्या गड़ा, दे दो लोगों को, जिंदगियां बना दो लोगों की, किसी को कुछ नहीं आता। मैं गाड़ी में बैठ के जा रहा था, एक औरत चिल्लाती, रुद्राक्ष ले लो, रुद्राक्ष ले लो, करोड़पति बन जाओगे। मैं कहा तू काहे घूम रही है सड़कपति बन, तू ही बन जा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिएगा और देखिए किस प्रकार से प्रभु की महिमा ये जो है कि साधु बाबा कर रहे हैं और कैसे जो है कि परमेश्वर इनके जीवन बहुत बड़े बड़े कार्य कर रहा है। और वो जो है कि इस वीडियो में जो है कि आज आपको बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आइए इस वीडियो को हम लोग देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया, बोलिए प्रवेश महाराज की, परम पिता की। मेरी ड्रेस साधु की है, एक भगवा कपड़ा पहना हुआ हूं मैं, और ये बताता है कि यीशु मसीह किसी का धर्म बदलने नहीं आए हैं। यीशु मसीह हृदय बदलने आए हैं। प्रभु यीशु कहते हैं ना, धर्मस्य खंडनार्थे जगति जातो अहम्, वरन परिपूर्ति रे में अवतार हेतु, मैं संसार में धर्म का खंडन मंडन करने नहीं आया, व्यवस्था को मिटाने नहीं आया, मैं उसको पूरा करने के लिए आया हूं। आमीन। प्रभु यीशु किसी का धर्म नहीं बदलते, उनका ये काम ही नहीं है। एक ही बात प्रभु यीशु ने कही, हृदय परिवर्तन करो, क्योंकि ईश्वर का राज्य निकट आ पहुंचा है। हृदय परिवर्तन, एक एक व्यक्ति जो यहां बैठा हुआ है उसके हृदय में परिवर्तन हुआ है। हृदय परिवर्तन करने के लिए प्रभु आया है। और जो बाहर लोग कहते हैं कि ईसाई धर्म बदलते, मैं प्रियो आपको बताता हूं, यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है इस बिजनेस में नहीं है, इस बिजनेस में नहीं है हृदय परिवर्तन। ये बात सबके पल्ले भी नहीं पड़ने वाली, आपके पड़ गई है, आप सौभाग्यशाली। हालेलुया। मैं एक जगह प्रवचन कर रहा था छत्तीसगढ़ में, और जब मैं प्रवचन कर रहा था, मेरे प्रवचन का टॉपिक था हृदय परिवर्तन, रिपेंटेंस। और जब मैं प्रवचन कर रहा था, आपने देखा मेरी दाढ़ी बड़ी हुई है उसमें बहुत ज्यादा, अपनी खेती है, छोड़ दो तो बढ़ जाती है, छोड़ दो तो बढ़ती चली जाती, तो हमको थोड़ा सा उसकी ट्रिमिंग करनी पड़ती है। मेरी दाढ़ी इससे भी ज्यादा बड़ी थी और मैं एक जगह प्रवचन कर रहा था, बीच बीच में गीत गा रहा था, और एक माता जी जोर जोर से रो रहे थे। मैं जैसे प्रवचन करूं, कुछ भजन गाऊं, वो रोने लग जाए, मुझे बड़ी दया आई। और दूसरे दिन मैं स्टेज से उतर गया और उस औरत के पास गया, अम्मा जी के पास, मैंने उसके सिर पर हाथ रखा, मैंने कहा माता जी मत रो, मुझे मालूम है आपको पश्चाताप हो रहा है, और पश्चातापी हृदय को प्रभु क्षमा करते हैं, स्वीकार करते हैं, माफ करते हैं, मुझे मालूम है आपको पश्चाताप हो रहा है, शांत हो जाइए, चुप हो जाइए, बहुत मत रोइए। आपको पता है उस औरत ने कहा कि गुरुजी कोई पश्चाताप अश्चाताप नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा फिर क्यों रो रही हो? बोले गुरुजी 3 महीना पहले हमारा बकरा मर गया, और वो बकरे की दाढ़ी बिल्कुल आपई के टाइप की थी,
तो जब जब हम आपको नाचते देखते हैं, आपकी दाढ़ी हिलती है, तो हमको हमारा बकरा याद आता है। मैं भागा वहां से, मेरे पैर के नीचे से जमीन ही खिसक गई। मैंने सोचा भी नहीं था कि ये उत्तर मेरे को मिलेगा, लेकिन ये सच्चाई है। इंसान बाहर की ओर देखता है, इंसान बाहरी रूप रंग को देखता है। लोग मेरी दाढ़ी देखते हैं, हमारे कपड़े देखते हैं, ईश्वर ये सब कुछ नहीं देखता। ईश्वर का कोई लेना देना नहीं, कोई कपड़े से ईश्वर को नहीं जान सकता। ईश्वर जिसकी हम इबादत करते हैं, वो हृदय को देखने वाला परमेश्वर है। यही है मार्ग यीशु का, हृदय को परखने वाला। प्रभु का वचन यिर्मयाह में कहता है, यदि कोई घमंड करना चाहता है तो इस बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता है, वो मुझे जानता है। और कोई विषय नहीं जिसके लिए तुम घमंड कर सको, कोई घमंड का विषय नहीं, क्योंकि जितनी भी चीजें आपके पास हैं, आज हैं, कल मिट जानी है। हालेलुया। औरत जो है मैं से कहती, गुरुजी मेरे ऊपर 9 ग्रह लगे हुए हैं, प्लीज मुझे बचा लो, मैं बहुत परेशान। तो मैंने कहा, बहन एक काम करते हैं, तेरे ऊपर 9 ग्रह लगे, मैं अपने गुरु से ये प्रार्थना करूंगा कि तेरे ऊपर 1 ग्रह और लग जाए। बोली, अरे यार कैसी बात कर रहे हैं आप, मेरे जले पे आप भी नमक छिड़क रहे। मैंने कहा, नहीं, मैं चाहता हूं मेरे गुरु, मेरे प्रभु तेरे साथ एक कृपा ये कर दे कि तेरे ऊपर अनुग्रह लग जाए। क्या लग जाए? अनुग्रह। जोर से बोलिए, अनुग्रह। क्या लग जाए? अनुग्रह। अरे यूयम अनुग्रहात् परित्राणं प्राप्त, अनुग्रह से ही विश्वास द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। यूयम अनुग्रहात् परित्राणं प्राप्त, अनुग्रह लग जाए। और वो ग्रह जब लगता है, सारे ग्रह रफू चक्कर हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक बाबा जी पार्टी में गए, पार्टी में गए, मेरे साथ जज साहब हैं, मेरे डिस्ट्रिक्ट के जज साहब आए हुए हैं, बड़े साधारण व्यक्ति हैं, ये भी यीशु जी के भक्त हैं, इनके लिए ताली बजा दीजिए। एक दिन इनको होश आया कि मैं तो ये दुनिया का न्यायाधीश हूं, मेरे से भी बड़ा एक न्यायाधीश बैठा हुआ है। आमीन। प्रभु की शरण में आ गए, ऐसी सहज, और मेरे जिले का न्यायाधीश ऐसे ही साधारण बैठा हुआ। मैं भी कभी कभी चमत्कृत होता हूँ, बाहर प्रभु ये तू ही कर सकता है, हम नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। बाबा जी गए पार्टी में, हम भी जाते हैं पार्टी में, कभी कभी पार्टी में चले जाते। पार्टी में गए बाबा जी और एक ग्रुप बना के लोग हंस रहे हैं बाबा जी का, मजाक है। बाबा ने कहा, यार हमारा मजाक मत उड़ाओ यार, हम बाबा आदमी काहे को हमारा मजाक उड़ाते हो। अरे लोग हंसे, वो माने नहीं, अचानक अंधे हो गए, दिखना बंद हो गया। उन्हें कहा, बाबा जी माफ कर दो, हम अंधे हो गए, आपको हमने उल्टा पुल्टा बोला, हम अंधे हो गए, हमको माफ कर दो। बाबा ने मारा फड़ाफड़, बोले लाइट चली गई है नलायको, मेरे को भी नहीं दिख रहा है, मेरे को भी नहीं दिख रहा है, जनरेटर जलाओ, लाइट आई तुम लोग व्यवस्था करो, किसी को कुछ नहीं दिख रहा है। दुनिया भर के आस्त्री शास्त्री, ये बाबा वो पर्ची, खूब चल रही ड्रामेबाजी, किसी को कुछ नहीं आता है, हमें पता है। बताओ यार, तुम्हें इतना ही ज्ञान है, बताओ धरती में कहां क्या गड़ा, दे दो लोगों को, जिंदगियां बना दो लोगों की, किसी को कुछ नहीं आता। मैं गाड़ी में बैठ के जा रहा था, एक औरत चिल्लाती, रुद्राक्ष ले लो, रुद्राक्ष ले लो, करोड़पति बन जाओगे। मैं कहा, तू काहे घूम रही है सड़कपति बन, तू ही बन जा। मेरे घर में एक बाबा जी आए, मैं छोटा था, मेरे घर में बाबा जी बोले, अलख निरंजन, मैं छोटा 7वीं कक्षा में, मेरे घर में कोई नहीं, पिताजी मेरे बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के, पापा ने कहा कोई भी आया करे जरूर कुछ देना है। मैं गया, बढ़िया एक लोटा में चावल भरा लेके आया, दिया, बाबा जी ले लीजिए। बाबा का भुट 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 भुट। मैं कहता, फिर क्या चाहिए आप? उन्होंने दीवार से मिट्टी निकाली, उसको ऐसे किया और उसको मोती बना दिए। मैंने कहा, अरे वाह, और कुछ दिखाओ, और क्या दिखाते? मैंने कहा, और तो कुछ दिखा,
उनको आश्चर्य की, इसको आश्चर्य नहीं हो, ये बोल रहा और दिखाओ। मैंने कहा और दिखाओ। उन्होंने उसको ऐसे किया, अंगूठी बना दी। मैंने कहा अरे बहुत अच्छा, और दिखाओ। बोला बप दे 50 रुपए। मैंने कहा बाबा मिट्टी से मोती बनाए, मोती से अंगूठी बनाए, तो 50 रुपया भी बना लो। जब तुम इतना ही कर लिए, ये भी कर लो। ये ड्रामेबाजी है, इसमें ईश्वर नहीं बैठा, ये मूर्ख बनाने वाले व्यापार हैं, इनसे हमें बाहर आना है, ईश्वर इनमें नहीं बसता। हालेलुया, हालेलुया। जीवन को रूपांतरण करने वाली बातें अलग हैं, अलग हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की जय। मैं फिर कहता हूं, प्रभु यीशु किसी का धर्म बदलने नहीं आए, मेरा नहीं बदला, मैं वही हूं। एक चीज बदल गई है, मुझे एहसास होता है, नित्यानंद जानता है, मेरा हृदय बदल गया। दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप सबको जय मसीह की।